तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से अपनी जीके की क्लास को लेकर के हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। घड़ी में 5 बजते ही ये क्लास भी आपके सामने आ चुकी है। लाइव तो नहीं है ये क्लास प्रीमियर थी, मतलब कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए मैं छोड़ के गया था। आपको बताया है कि मैं घर पे गया हूँ, अपने होम टाउन गया हूँ, तो इसलिए मैंने पहले से ही आपकी क्लास को रिकॉर्ड फॉर्म में करके दे दिया है ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। भाई एक ही टारगेट है कि आपकी क्लास मिस ना हो। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, बिना देर के हुए। बस सभी लोग एक मिनट, सभी लोग जुड़ जाइए भाई जल्दी से, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने सभी ग्रुप में। और हमेशा की तरह आपको पढ़ाई करनी है कैसे, कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइएगा, क्योंकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे नोट करते चलिएगा। होली का समय नजदीक आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई होली का सीजन है तो बस होली ही मनाते रहेंगे। फेस्टिवल भी मनाइए, सेलिब्रेट करिए, खूब अच्छे से मनाइए, लोगों की मदद करिए, ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, अपने अध्ययन को करते हुए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। सीरीज नंबर है 37, ठीक है, 37 सीरीज नंबर पर हम लोग अब काम करने जा रहे हैं, और इस सवाल का और आज के सेशन का पहला सवाल। तो उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे, और आपके कमेंट को मैं अपने घर से वॉच करता रहूंगा भाई, देखता रहूंगा मैं भी कि आप कितना उत्तर दे रहे हो। तो बिल्कुल एक्टिव रहना और ईमानदारी से पढ़ाई करना, और लाइक और शेयर में कंजूसी तो एग्जाम इंडिया के स्टूडेंट करेंगे नहीं, ऐसा उम्मीद है मेरे को। चलिए पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है अब भाई, बिना देर किए हुए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हम लोग अपनी क्लास के लिए। जल्दी से पहले सवाल का उत्तर अब यहीं से देना शुरू करिए। कमेंट बॉक्स अब बिल्कुल खचाखच एकदम से भर जाना चाहिए फटाफट, ठीक है, आपके कमेंट से। चलिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके स्क्रीन पर, एक मिनट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि ये मैं सीरीज में आपको आगे 20 तक हमने कल किया था, उसके आगे से ये पूरा मैंने पीपीटी बनवा रखा है 100-150 क्वेश्चंस का, उसी को मैं आपको कंटिन्यू कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, ठीक है, तो ये आज का पहला सवाल है, ठीक है ना, ये पहला सवाल है, ठीक है। चलो भाई प्रश्न आ चुका है, बताइएगा भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको बोलते हैं नीति आयोग, वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन भाई 1 जनवरी, यानी राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए आइए देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो नीति आयोग की जगह पे प्लानिंग कमीशन था पहले, नीति आयोग की जगह पे क्या था, प्लानिंग कमीशन, जिसको बोलते हैं योजना आयोग, क्या बोलते हैं, योजना आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, ठीक है, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आ गई भाई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बीजेपी सत्ता में आई, उन्होंने इसका नाम बदला और इसका नाम कर दिया नीति आयोग भाई, ठीक है। नीति आयोग क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना करी गई 1 जनवरी 2015 के दौरान, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, ठीक है। और नीति आयोग जो है, इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कि जो भारत के पीएम होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं ऑटोमेटिकली, क्लियर बात याद रखेंगे। जैसे अभी आप इससे पूछे कि वर्तमान समय में नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो आप बोलोगे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, क्लियर। और नीति आयोग से आप पूछेगा कि उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ठीक है, उपाध्यक्ष का नाम, उपाध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाइस चेयरमैन बोलेंगे, ठीक है। कौन है, सुमन बेरी जी हैं भाई, ये है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में छापिए, अगर आप लोग बिल्कुल एक्टिव हैं और तैयारी आपकी बड़ी बेजोड़ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है भाई, ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपने उत्तर को प्रेषित जरूर कर दीजिएगा भाई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल चुका है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 कहां ऑप्शन में, देखो भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, 1 जनवरी 2015 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ये आज के सेशन का पहला सवाल था, वैसे क्वेश्चन नंबर 21 है क्योंकि कल हमने 20 तक किया था, क्लियर है ना भाई, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे,
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को बड़े केयरफुली पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन क्या है कि हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई बड़ा प्यारा सवाल कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है ब्रेंडन ईच, विलियम एंथोबेन, जॉर्ज स्टमेन, इमिल एर्लनास्टन। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखवाया है, ताकि आप में से बहुत लोगों की डिमांड आती थी सर ऑप्शन को हिंदी में भी लिखिए। तो भाई देख लीजिए ऑप्शन हिंदी में भी है, अब अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो जावा क्या होता है, आपने जावा का नाम जरूर सुना होगा, जो खासतौर पे बीटेक वाले स्टूडेंट हैं और खासतौर पे जिनका बीटेक स्ट्रीम अगर कंप्यूटर साइंस होगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होगा, तो वो जरूर नाम सुने होंगे। जावा क्या होता है भाई, ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा नाम है। इसका कोर्स होता है, लोग सीखते हैं, जैसे आप कंप्यूटर का कोर्स करते हो, सी सीखते हो, ट्रिपल सी का कोर्स करते हो, उसी तरीके से जावा का भी लोग कोर्स करते हैं। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है ना, तो इसका आविष्कार किसने किया, आपसे सवाल यही पूछ रहा है कि हु इन्वेंटेड, है ना, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया। तो भाई इसका आविष्कार ब्रेंडन ईच ने किया था। भाई इसका आविष्कार ब्रेंडन ईच ने कब किया था, 1995 में। भाई देखो आपको ईयर भी याद रखना है, आपको ईयर भी याद रखना है कि कब किया था, 1995 में भी किया था। तो ऑप्शन इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, वो सटीक हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर है, कॉपी में नोट करते रहेगा, ये नया प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, ये नए प्रश्नों में शुमार है, तो याद रखना है जावा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका आविष्कार ब्रेंडन ईच ने किया था कब, 1995 के अंदर। चलो भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे भाई। ठीक है, आपका समय कीमती है और आपके समय की पूरी भरपाई करेंगे और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन, एक ही बात बोलूंगा, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है स्क्रीन पे, बहुत प्यारा सवाल है भाई। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्या है क्वेश्चन, देखो, विच मॉस्किटो, मच्छर, है ना, बड़ा गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी का मौसम अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब मच्छर भी काटने शुरू होंगे, इसलिए मच्छरों से भाई बच के रहना, सभी लोग मॉस्किटो से बच के रहना, साफ सफाई अपने आस पास में जरूर रखिएगा ताकि मच्छर पनपे ना, अपने घर के आस पास की नालियों को भी साफ करवाते रहिएगा। विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ द जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है भाई, जापानी इंसेफेलाइटिस बहुत तेजी से फैला था एक बार, है ना, और फीवर वगैरह होता है इससे बहुत ज्यादा, और काफी लोगों की डेथ भी हुई थी जब ये स्प्रेड हुआ था काफी तेजी से, जापानी इंसेफ्लाइटिस, है ना। सवाल क्या पूछा है आपसे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का वाहक कौन सा मच्छर है, कौन सा मच्छर इसका वाहक है। भाई ऑप्शन देखो, एडीज, एल्फोपिक्स, क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफिलीज, या इनमें से सभी। भाई ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसका सही उत्तर है जापानी जो इंसेफ्लाइटिस है, इसका जो वाहक मच्छर है कौन सा है भाई, तो क्यूलेक्स मच्छर है ये। ठीक है, कौन सा मॉस्किटो है, तो क्यूलेक्स। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। जिन लोगों ने बी ऑप्शन किया होगा वो बिल्कुल सही है भाई, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, सेशन को शेयर भी कर दो सभी लोग। ठीक है, इतने कम लोगों से काम नहीं चलेगा भाई, मजा नहीं आता है, इसलिए सेशन को दबा के शेयर मारो, सबको बुलाओ, अपने सभी दोस्तों को बुलाओ कि भाई 5 बजे क्लास होती है, कुछ भी काम कर रहे हो आप क्लास को जरूर देख लेना है, लाइव क्लास में अपना मजा होता है। ठीक है, चलो चलिए, तो क्यूलेक्स मच्छर है याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है भाई, ह्यूमन बींग हियरिंग रेंज इज, यानी कि मानव जाति के सुनने की सीमा क्या है। भाई मानव जाति के यानी कि हमारी आपकी सुनने की जो क्षमता है कितने हर्ट्ज की है, कितनी कैपेसिटी तक हम सुन सकते हैं भाई। ठीक है, ये बात आप सभी जानते होंगे। चलो आपको मैं बता दूं कि जो साउंड वेव होता है, ठीक है, जो साउंड होता है, साउंड वेव, ठीक है, तो हम लोग जो सुनते हैं, हमारी जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के, मानव की बता रहा हूँ, वो होती है कितनी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के कितनी होती है भाई, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ये बात आप सभी जानते होंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मानव के सुनने की जो क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज कहाँ पर है भाई, ये देखो, ये है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अब किलो हर्ट्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक,
ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कन्वर्ट करोगे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो मानव का जो है सुनने का वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी जानते होगे भाई, ठीक है, आप सभी जानते होगे तीन प्रकार का होता है, कहते हैं ना पराश्रव्य श्रव्य ध्वनियां, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि है ना, यानी कि सोनिक वेव, सोनिक वेव, ठीक है। इस तरह होता है एक पराश्रव्य ध्वनि, एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, फिर एक होता है इंफ्रासोनिक वेव। तो तीन प्रकार के होते हैं, एक सोनिक वेव, एक इंफ्रासोनिक, एक अल्ट्रासोनिक, क्लियर है, ये तीन प्रकार के होते हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिलहाल प्रश्न में जो पूछा है इसका सही उत्तर ये हो गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाने को मैं तैयार हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत तेजी से चलेंगे अब, ठीक है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि मजा आ जाए। और कॉन्सेप्ट की क्लास कब से शुरू होगी मैं तो बता दूं एक बार फिर से, बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे चैनल पे नए भी आ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट की क्लास, कॉन्सेप्ट वाली क्लास, यानी कि जिसमें आप लोग थियरी पढ़ोगे भाई, ठीक है, डिटेल में पूरा थियरी पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस का, कॉन्सेप्ट वाली क्लास कब होगी, होली के बाद होगी भाई, होली के बाद, इसलिए तब तक चैनल पे और भी थोड़े संख्या हमारे सदस्यों की बढ़ जाएगी भाई। एग्जाम इंडिया परिवार का सदस्य देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बस आपका सपोर्ट चाहिए कि ये जो संख्या आपकी दिख रही है ये बढ़ते रहे थोड़ा सा, क्योंकि संख्या ज़्यादा होता है तभी पढ़ाने में मज़ा आता है भाई, पढ़ाने में मज़ा मतलब कि मोटिवेशन हमें तभी मिलता है जब आपका सपोर्ट मिलता है, तो आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। होली के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लास को शुरू करने वाले हैं बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में, और ऐसी क्लास जो आपने नहीं देखा होगा कभी, मतलब एकदम ए टू जेड पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, तैयार रहिएगा, बस सपोर्ट प्यार अपना बनाए रखिएगा। चलिए प्रश्न है, विच इज द पैरालिसिस ऑफ बोथ हैंड्स एंड फीट, क्या क्वेश्चन है कि दोनों हाथों तथा पैरों का पक्षाघात क्या कहा जाता है इसको, ठीक है। आपने सुना होगा डेली लाइफ में पैरालाइज हो जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पैरालाइज हो जाते हैं, लाइक दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, दोनों पैर भी काम नहीं करते हैं, पूरी तरीके से वो बेड पे ही रहते हैं, ना हाथ काम कर रहे हैं ना पैर काम कर रहे हैं, जिसको हम पैरालाइज बोल देते हैं, कहते हैं ना पैरालाइज हो गया है भाई हाथ या पैर जो भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विच इज द पैरालाइसिस ऑफ बोथ हैंड्स एंड फीट, क्या लिखा, बोथ हैंड्स एंड फीट भाई, दोनों हाथ तथा दोनों पैरों के पक्षाघात को क्या बोलते हैं, सही उत्तर है आपका भाई टेट्राप्लेजिया, याद रखना है इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राप्लेजिया, इस टर्म को क्या बोलते हैं टेट्राप्लेजिया, याद रखिएगा, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं और आप भी मन में बोल लिया करो इसको, ठीक है, जब चार बार मन में बोल लोगे ना तो कभी भूलेगा नहीं परीक्षा हॉल में जब बैठोगे तो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको भाई, पैरालाइज दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज हो जाए क्या बोलेंगे, टेट्राप्लेजिया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि आज के आज का सेशन का हमारा छठा क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे अधिक व्यक्ति किस राज्य में है। तो देखो इंडिया में ये सर्वे होता रहता है, ठीक है, ये आकलन होता रहता है, सर्वे होता रहता है कि कौन सा राज्य गरीबी रेखा से सबसे नीचे है या कौन सा राज्य गरीबी रेखा से सबसे ऊपर है। तो ये जो आकलन कौन करता है, गरीबी रेखा का जो आकलन है भारत में, वो नीति आयोग की थिंक टैंक जो एजेंसी है वो करती है, नीति आयोग की जो थिंक टैंक एजेंसी है उसके द्वारा किया जाता है ये गरीबी रेखा का आकलन, ठीक है। ये आप जानते हो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है नीति आयोग की एक थिंक टैंक एजेंसी है और वो आकलन करती है गरीबी रेखा का। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में सबसे अधिक जो व्यक्ति है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वो है आपका उड़ीसा भाई, ठीक है, उड़ीसा है, याद रखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे में सबसे जो लोवेस्ट है इस समय स्टेट में वो उड़ीसा ही है। तो याद रखेंगे भाई, ये डेटा का है, जो सर्वे है, जो डाटा है उसके अनुसार आपको मैं ये रिपोर्ट बता रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आज का है 7 और सीरीज का 27, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था वित्त आयोग से रिलेटेड, एक क्वेश्चन कल के सीरीज में भी करवाया था मैंने आपको, और मैंने वहां पे बताया था कि वर्तमान में कौन है, और मैंने आज ये क्वेश्चन डलवाया कि प्रथम कौन थे। तो देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन कवर कर दिया मैंने
करें, ठीक है। तो देखो फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल हमारे संविधान में है वो है 280, ठीक है, वो क्या है 280 है। फाइनेंस कमीशन के सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सबकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे, प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करेंगे, क्लियर। ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए संवैधानिक संस्था क्या होती है, संवैधानिक संस्था वही होती है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो, तभी तो इसका आर्टिकल है 280 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में अध्यक्ष का नाम बताइए, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष एन के सिंह, कल भी बताया था आपको मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन, एन के सिंह साहब है इसके अध्यक्ष, क्लियर है ना भाई, नोट कर लेना सब लोग, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है प्रेजेंट एंड फर्स्ट पूछा है आपसे, पहले कौन थे, तो पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे वो थे के सी नियोगी साहब, ठीक है। पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे, के सी नियोगी जी इसके अध्यक्ष बने थे। फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी भाई, ठीक है, 1951 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी जानकारी तो कम से कम आपको अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, के सी नियोगी, सी ऑप्शन, क्लियर है ना भाई, सबको क्लियर हो गया, क्या उत्तर हो जाएगा भाई, केसी नियोगी पहला पूछा है। वर्तमान में पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई, वर्तमान में एन के सिंह याद रखना है आपको, ठीक है। और पहले केसी नियोगी, स्थापना कब हुई थी, 1951 में, तो बड़ा बढ़िया सवाल था, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल पर रुक कर चुके हैं, आज का सेशन का आठवां प्रश्न होगा, ठीक है। भारत की प्रथम, सुनिएगा क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, बड़ा प्यारा सवाल है। देखो ये फिल्मों से रिलेटेड जो सवाल आते हैं ना, रंगीन फिल्म या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, ये बड़ा कंफ्यूज करता है और ये पेपर में बार बार आता रहता है भाई, ठीक है। इसीलिए प्रश्न को मैंने यहां पर उल्लेख कर दिया ताकि आपका डाउट यहां से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द फर्स्ट फुल्ली कलर फिल्म, फर्स्ट फुल्ली कलर फिल्म ऑफ इंडिया भाई, ठीक है। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, झांसी की रानी, की ऑन भाई, ठीक है। तो कमेंट में अपने उत्तर को प्रेषित कर दीजिएगा, मैं इसका सही उत्तर आपको देने का प्रयास करने जा रहा हूं भाई। तो सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो पहला तो ये राजा हरिश्चंद्र जो ऑप्शन है, तो ये क्या है, ये भारत की प्रथम मूक फिल्म है, भारत की प्रथम मूक फिल्म है, ठीक है। मूक फिल्म मतलब कि साइलेंट फिल्म, क्लियर। तो अगर पूछे कि भारत की पहली मूक फिल्म, मूक मतलब कि साइलेंट फिल्म जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, उसका नाम था हरिश्चंद्र, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन है आलमारा, ये क्या है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म है ये, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म है ये, ठीक है, याद रखना भाई ऑप्शन, इसीलिए मैंने ऐसे रखवाए हैं ताकि आपको दो चार क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताता चलूं, ठीक है। तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आलमारा है भाई। और पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म, पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी भाई, झांसी की रानी है, याद रखेंगे, पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी है। आप में से बहुत लोगों ने गलत उत्तर कर दिया होगा, अब मत करिएगा, सवाल पूछेगा कि पूर्णतः रंगीन फिल्म, तो पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी है। पहली बोलती फिल्म कौन सी है, बोलती फिल्म कौन सी है भाई, आलमारा है। मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी है, हरिश्चंद्र है, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, याद रखना भाई, ठीक है। ये सारी बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाने को मैं तैयार हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, फटाफट के अंदाज में उत्तर करेंगे सब लोग। चलिए प्रश्न क्या है भाई, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है, तो हवाई अड्डों से रिलेटेड भी प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, तो आपको हवाई अड्डे भी याद रखने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। ये स्टैटिक जीके है, ठीक है, एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते रहते हैं। तो सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है भाई, वेयर इज सांता क्रूज एयरपोर्ट, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है, कि मध्य प्रदेश में है। चलो तो सांता क्रूज नाम से कई लोग क्लियर कर लिए होंगे भाई, ये कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है, कहाँ पर है, मुंबई में है, याद रखेंगे। हैदराबाद में कौन सा है भाई, तो हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है वो है राजीव गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा जाता है कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो हैदराबाद के अंदर है, क्लियर, याद रखना है आपको। बाकी मध्य प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा है भाई, तो मध्य प्रदेश में है तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक दो है, तो बहुत सारे, लेकिन जो याद रखना है आपको वो याद रखना आपको अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर,
अहिल्या बाई होलकर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मध्य प्रदेश के अंदर है, इंदौर में है, ये पूछा जाता है आपसे। और एक और मध्य प्रदेश में है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो पूछा जाता है, जो भी है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, चलो ध्यान रखना, ठीक है। सांता क्रूज कहाँ पे है, मुंबई में है, याद रखना, क्लियर है भाई। चलो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, लेकिन अब कौन सा याद रखना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जो मेन याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री भाई देखो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं तो इनके नाम से है तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ना। लाल बहादुर शास्त्री कहां पे है भाई, वाराणसी में है, ठीक है। बनारस का भाई याद तो रखना पड़ेगा भाई, नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है बनारस है, तो भाई बनारस का तो याद रखना ही पड़ेगा सबको, ठीक है। चलो बाकी गोरखपुर में है कौन, गुरु श्री गोरक्षनाथ एयरपोर्ट है ना, गुरु श्री गोरक्षनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो गोरखपुर में। भाई गोरखपुर का क्यों बताया मैंने, क्योंकि भाई आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहीं से हैं, गोरखपुर से, ठीक है, तो इसलिए गुरु श्री गोरक्षनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोरखपुर के अंदर है नाम से ही। हालांकि महायोगी उस एयरपोर्ट का नाम है अब, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ एयरपोर्ट, ठीक है। चलो अगला सवाल, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, अभ्रक को क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं भाई, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि माइका का प्रोड्यूसर वर्ल्ड में सबसे नंबर वन कौन है, ब्राजील है कि फिलीपींस है कि चाइना है कि इंडिया है भाई, ठीक है। अभ्रक का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, बहुत क्लियर कट है और मुझे लगता है सबको इसका उत्तर आना चाहिए, और वो है आपका भारत, प्यारा देश भारत, ठीक है। भारत जो है वो वर्ल्ड में माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भाई, क्लियर है, याद रखना। बाकी तो आप जानते ही हो, ब्राजील जो है वो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, ठीक है। चाइना के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो, चाइना तो चावल में नंबर वन है, ठीक है, चावल में नंबर वन है, गेहूं में नंबर वन है, ठीक है, इसके अलावा चाय में नंबर वन है, इसके अलावा ये तंबाकू में नंबर वन है, ठीक है, इसके अलावा ये कपास में नंबर वन है, इसके अलावा ये लोहा में नंबर वन है, बहुत सारे में नंबर वन है चाइना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखते रहना है, भारत ध्यान रखना है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, किसका, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अभ्रक को बोलते हैं माइका, क्लियर है, याद रखिएगा। बस जितनी बातें आपको बताई जा रही है ना उसको बस अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रखिएगा सब लोग, ठीक है भाई, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। बहुत लंबी क्लास अपनी नहीं खींचेंगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत अच्छे से जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे, लेकिन ईमानदारी से और मेहनत के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है भाई देखो, लूनी नदी किस राज्य में बहती है भाई। देखो नदियों से रिलेटेड सवाल हमेशा पेपर में आते रहते हैं, तो नदियों से रिलेटेड सवाल भी आपको अच्छे से करना है, गलत नहीं करना है, नहीं तो फिर मात खा जाओगे सब। चलो लूनी नदी किस राज्य में बहती है, तो लूनी नदी बहती है आपकी राजस्थान में, ठीक है, ये बहती है कहां पर, राजस्थान में, ठीक है ना। लूनी नदी कहां बहती है, राजस्थान के अंदर बहती है। चलिए अगला सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राउरकेला, ठीक है, राउरकेला जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नी बॉक्साइट चांदी की लोहा। भाई बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से आप लोग अपने उत्तर को बता दीजिएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ राउरकेला कहाँ पर है, ये भी बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि है कहां पर ये। चलो मैं पानी पी लेता हूं भाई, राउरकेला कहां पर है ये भी बताना भाई, किस स्टेट में है और किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो आपको मैं बता दूं, ये जो राउरकेला है, ठीक है, ये एक स्टील प्लांट भी है यहां पर, ठीक है, यहां पे स्टील प्लांट भी है, और याद रखना है राउरकेला जो है ये ओडिशा में स्थित है, कहाँ पर, ओडिशा में स्थित है। देखो स्टेट भी पूछता है, याद रखना है, और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आयरन के लिए भाई, ठीक है, आयरन के लिए, जिसको हम बोलते हैं लोहा, ठीक है, आयरन के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम लोहा कहते हैं। तो याद रखिएगा राउरकेला जो है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कहाँ पर है ये, उड़ीसा के अंदर है, नोट कर लीजिएगा कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर है भाई। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर है अगला सॉरी, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस शहर में अवस्थित है भाई? बढ़िया सवाल है कि इन विच सिटी इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड भाई, कहां पर है? चंडीगढ़ में है, मुंबई में है, दिल्ली में है कि अमृतसर में भाई? स्वर्ण मंदिर का नाम आप सबने जानते होंगे, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल। चलो समझते हैं गोल्डन टेम्पल के बारे में, ठीक है। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, देखो इसका जो निर्माण है वो सिखों के पांचवें गुरु, ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु के द्वारा करवाया गया था, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो एक बात तो आप ये भी जानते रहिएगा, ठीक है, कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। अच्छा ये भी याद रखना, ये गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है वो आया था किसने? जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या करवाई गई थी। तो ये भी आप जानते रहिएगा, गुरु अर्जुन देव की हत्या कब हुई थी मैं आपको ये भी बता देता हूं, 1606 में, ठीक है, 1606 में। और 1606 में जो जहांगीर था मुगल बादशाह, उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, ठीक है, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। बाकी याद रखना है इन्होंने ही करवाया है निर्माण किसका, जो ये आपका अमृतसर के अंदर है ये स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर शहर में है ये स्वर्ण मंदिर। तो ये तो आप जानते होंगे, ये तो आपको पता था कि अमृतसर में है, ठीक है, ये नया क्वेश्चन नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला बहुत टफ क्वेश्चन है, पता तो है, लेकिन ये जो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है ना, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, ठीक है, कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है भाई, ठीक है, ये बात तो पता है हमें, लेकिन ये कई लोगों को नहीं पता होता है कि इसका निर्माण किसने कराया। तो निर्माण पांचवें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? तो मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा, कब? 1606 में, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, यहां से जब पेपर में प्रश्न आता है तो वो गलत होता है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन यहां से आ जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप हर एक डेटा को, हर एक नॉलेज को अच्छे से ले पा रहे हो। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है, और ये थोड़ा सा एक करंट का सवाल है भाई, करंट अफेयर का सवाल है, कि निम्न में से किसके द्वारा एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी की जाएगी भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द एएफसी एशियन कप 2023, ठीक है, एक करंट का सवाल है कि कौन सा देश है जो इसको होस्ट करेगा भाई। सिंगापुर है, चाइना है, मलेशिया है, कतर है, ठीक है। चलो भाई, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा, और मेरा उत्तर होगा कतर, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा देश इसको होस्ट करेगा 2023 में? तो कतर है, कतर है, ठीक है, कतर ने ही फीफा को भी होस्ट किया था, ठीक है, इसी कतर ने फीफा को भी होस्ट किया था, याद रखिएगा। कतर की जो राजधानी है वो है दोहा, क्लियर, दोहा, तो राजधानी भी याद रखना जरूरी है भाई, ठीक है। मलेशिया की राजधानी क्या है भाई? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, ठीक है। सबकी कैपिटल भी याद करते रहिएगा, बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कैपिटल करेंसीज के भी क्वेश्चन आपको आए दिन कराता रहता हूँ, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, देखो बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार मैंने क्वेश्चन जो डिजाइन करवाया है वो इंग्लिश हिंदी को साथ में ही रख दिया। पहले क्या था कि ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश होता था, तो अभी मैंने कह दिया भैया कि एक ही साथ इसको लिखो ताकि बच्चों को एक ही जगह पे दिखे, ठीक है। चलो, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई है, यानी कि दूसरी बार सेकेंड टाइम कहां पे शुरू किया गया था? तो आपको मैं बता दूं कि भारत में जो फर्स्ट मेट्रो है, भारत में जो पहली मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो 1984 में हुई थी, ठीक है। 1984 में भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई थी, और ये कहां पर हुई थी भाई? तो ये हुई थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कलकत्ता के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो भारत में मेट्रो की शुरुआत 1984 में बंगाल में हुई थी, पश्चिम बंगाल में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, है ना। दमदम से टालीगंज तक चलाई गई थी मेट्रो रेल पहली बार 84 में, और दूसरी बार कहां पे चलाई गई भाई? तो दूसरी बार चलाई गई मुंबई में, ठीक है, दूसरी बार चलाई गई मुंबई में। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा, भारत में दूसरी बार, हमेशा क्वेश्चन आप ये पढ़ते हो कि भारत में पहली बार कब चलाई गई, लेकिन पहली बार तो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहली बार तो कलकत्ता में चलाई गई थी। हर स्टूडेंट इस प्रश्न को सही कर देगा, फिर अंतर क्या रह जाएगा, है ना, लाखों स्टूडेंट ने इसका उत्तर सही किया। अब सवाल जब पूछा दूसरी बार, अब यहाँ पे कई लोग गलती करेंगे, ठीक है, कई लोग यहाँ पे गलत कर जाएंगे, उनको ध्यान में नहीं रहेगा दूसरी बार, कई लोग कोलकाता ही टिक कर देंगे, कुछ लोग बैंगलोर टिक कर सकते,
सकते हैं, कुछ लोग दिल्ली भी टिक कर सकते हैं, मुंबई भी कुछ लोग टिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेशियो कम हो जाएगा, है ना। सही करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एग्जामिनर क्या करता है, जो मेंस के एग्जाम होते हैं, जैसे सीजीएल का मेंस का पेपर होगा, उसमें ऐसे प्रश्नों की भरमार होगी जहां पे कंफ्यूजन हो, जिसमें क्वेश्चन को कम लोग सही करें ताकि छटनी अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। तो आपकी तैयारी अभी से इतनी मजबूती से बना दूंगा मैं कि आप चाहे प्री दो चाहे मेंस दो, ठीक है, प्री दो चाहे मेंस दो, दिक्कत नहीं होगी। जीके में, जीके जीएस में, करंट अफेयर में दिक्कत नहीं होगी। आपको बस एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल से क्लास करते रहना है, ठीक है, क्लास करते रहना है, फायदा आपको लास्ट में मिलेगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। चार मीनार कहां अवस्थित है भाई, चार मीनार कहां पर अवस्थित है? तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े अच्छे से आप लोग दे ही पाओगे, है ना। सबको पता है भाई चार मीनार कहां पर है, ये है आपका हैदराबाद में, ठीक है, कहां पर है ये, हैदराबाद में है। तो गलती नहीं करना है भाई, ऑप्शन में कहां पे है हैदराबाद, बस ए ऑप्शन टिक कर दो सब, ठीक है, हैदराबाद में है चार मीनार, क्लियर। बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लेना है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से कि कहां पर है हैदराबाद, टिक करके आराम से आगे बढ़ जाओ भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 मतलब कि आज के सेशन का 17वां सवाल। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है भाई, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न का जानते होंगे उत्तर, ठीक है। तो कोयला उत्पादन के लिए झरिया जो क्षेत्र है बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, एक क्षेत्र है झरिया, कहां पर है भाई, तो ये झरिया पड़ता है झारखंड में, ठीक है, झरिया पड़ता है झारखंड में, ठीक है, और ये कोयले का उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है भाई, झारखंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो ना बहुत अच्छे से, ठीक है। और कोयला जो है ना, जो कोल होता है वो चार प्रकार का होता है, ठीक है, चार प्रकार के कोयले होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, कितने, चार प्रकार के कोयले होते हैं, कौन कौन से हैं भाई, तो कौन कौन से हैं भाई याद रखना है, क्योंकि प्रश्न भी पूछा जाता है हमसे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ चार प्रकार के कोयले कौन से होते हैं भाई, ठीक है। तो एक होता है आपका कौन सा, पीट, पीट, फिर होता है एक लिग्नाइट, लिग्नाइट, भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना आए, लिग्नाइट, ठीक है। फिर होता है बिटुमिनस, 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 और फिर होता है एक एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, क्लियर है। तो चार प्रकार के कोयले आपके सामने है भाई, फोर टाइप्स के कोयले हैं, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, दीज आर फोर टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। सबसे अच्छे प्रकार का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है, सबसे अच्छे प्रकार का कोयला ये है आपका एंथ्रेसाइट, सबसे बढ़िया। और सबसे बेकार टाइप का जो कोयला होता है वो होता है पीट, ठीक है, पीट, सबसे बेकार मतलब कि कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है भाई, है ना। जिस भी कोयले की कार्बन की प्रतिशत जितनी ज्यादा होगी, जिस कोयले का कार्बन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा कोयला होगा, और कार्बन का प्रतिशत जितना कम होगा वो उतना ही पुअर कोयला होगा, यानी कि खराब कोयला होगा, क्लियर है ना भाई। तो इस बात को जानते रहिएगा, चार प्रकार के कोयले हैं और चारों प्रकार मैंने आपको यहां पर बता दिया है, तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी यहां से मिल गई होगी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं लगा देता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है और क्वेश्चन नंबर आपका आज का 18वां सवाल होगा। और देखो कितनी जल्दी हम लोग 18 सवाल तक कर लिए हैं, ठीक है। बस देखो जब प्रश्न थोड़े ईजी हो तो हम स्पीड में ज्यादा, ताकि ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए हमारे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। प्रश्न जहां टफ आएगा वहां व्याख्या पे फोकस करेंगे हम लोग। देखो अगला सवाल है गुगली, क्वेश्चन है कि गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। देखो बहुत सारे खेल होते हैं और बहुत सारे खेलों में शब्दावलियां होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो गुगली मुझे लगता है कि सबको इसका उत्तर पता होना चाहिए भाई, तो गुगली शब्द याद रखना है, गुगली शब्द ये है आपका क्रिकेट से रिलेटेड, और क्रिकेट तो ऐसा खेल है कि क्रिकेट में जितनी भी शब्दावलियां इस्तेमाल की जाती हैं मुझे लगता है कि सबको ही पता होता है, ठीक है। जैसे गुगली हो गया, गुगली के अलावा मान लो एक होता है लेग स्पिन, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक शब्दावली है लेग स्पिन, ठीक है। इसके अलावा एक शब्दावली है LBW, ठीक है, LBW, एक शब्दावली है हिट विकेट, ठीक है, हिट विकेट, ये सब क्या है, ये सब शब्दावलियां हैं, ठीक है, पग बधा,
ठीक है, पग बधा। अब LBW को हिंदी में बोलते हैं पग बधा, समझ रहे हो। तो ये सब क्रिकेट की शब्दावलियां हैं, सब आपने सुना होगा। तो भैया गूगली किसकी है, क्रिकेट की है, ठीक है, जानते रहिएगा भाई, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोकली। क्या प्यारा सवाल, देखो क्या कह रहा है, कोकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो देखो हर राज्य की अपनी एक लोक नृत्य होती है, ठीक है, हर स्टेट की अपनी एक फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। तो आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने पूछा है कोकली, कोकली जो है एक परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका लोक नृत्य है झारखंड का, ठीक है, झारखंड का एक लोक नृत्य है कोकली, जानते रहना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया था प्रश्न, इसीलिए मैंने लिया था इसको। चलिए अगला सवाल, भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। ऑप्शन देख लीजिए भाई, दार्जिलिंग में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या राजमहल की पहाड़ियों में। तो मुझे लगता है इसका प्रश्न सबका आ जाएगा भाई, बड़ा सिंपल प्रश्न हो जाएगा ये तो, है ना। चलो, वेयर इज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया। भाई मेरे मुंह से सिंपल निकल जाता है, मत सोचना सिंपल होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा सोचेंगे कि भाई सर तो हर क्वेश्चन को सिंपल ही बोल देते हैं, ठीक है। सिंपल का मतलब है कि अच्छा क्वेश्चन है, मेरे सिंपल का मतलब होता है कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद करिएगा, ठीक है। तो भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है भाई, तो भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज होती है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कर्नाटक के अंदर। दार्जिलिंग तो चाय के लिए प्रसिद्ध है ना भाई, दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए। आंध्र प्रदेश तो तंबाकू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बेसिक बातें हैं, जानते रहिएगा भाई, क्लियर। एक बार कमेंट बताइएगा कि आप लोग को भाई समझ में तो आ रहा ना चीजें कि बस, और भाई शेयर भी कर दो सेशन भाई, आप लोगों को बोलना पड़ता है तब शेयर करते हो। तो चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तब शेयर करोगे आप लोग, शेयर करो। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। जब तक पानी पी रहा हूँ भाई, लाइक की संख्या बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। और शेयर एक बार जल्दी से ग्रुप में कर दो सब लोग फटाफट। चलिए, तो 20 सवाल आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखें बहुत है, ठीक है। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं डिस्कस, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। बहुत लंबा सेशन नहीं खींचेंगे हम लोग अपना, ठीक है, क्योंकि जो भी अभी क्लासेज आपको दे रहे हैं हम, होली तक आपकी जो भी क्लासेज आपको मिलेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि भाई होली का सीजन है। लेकिन आपकी क्लास नुकसान ना हो इस वजह से भाई मैंने आपके लिए पहले से ही एडवांस में क्लास को रिकॉर्ड कर दिया था, ताकि जब मैं ना रहूं तो क्लास को अपलोड कर दिया जाए और आप लोग इसका लाभ उठा पाएं, ठीक है। तो बहुत लंबा सेशन खींचेंगे नहीं यहां पर, और आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बस आप लोग सेशन को क्या करना है, लाइक कर देना है, सेशन करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, सभी क्लासेस को जरूर देखिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। होली अच्छे से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी करिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कल 5 बजे भाई, कल 5 बजे फिर से आ जाइएगा लाइव, और कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।